हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएनसी के बाद हमें केवल एक दिन ब्लीडिंग हुई है, तो ये नॉर्मल है या फिर नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, डीएनसी के बाद आपको एक दिन ब्लीडिंग होना बहुत ही कॉमन है, यानी कि नॉर्मल है। जी हाँ, देखिए, डीएनसी में ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग तब हो सकती है जब आपने डीएनसी 3 महीने की प्रेगनेंसी में करवाई हो, है ना, किसी कारणवश आपको करवानी पड़ी हो, तो तब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। 1 हफ्ता इस तरीके से हो सकती है, 4 दिन 5 दिन इस तरीके से हो सकती है। लेकिन डीएनसी आपने काफ़ी जल्दी कराई है, 2 महीने की प्रेगनेंसी में, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में, किसी भी कारणवश, तो वहाँ पे आपको जो है ब्लीडिंग काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। 1 दिन भी ब्लीडिंग आपको हो सकती है, जी हाँ, जो कि बहुत ही कॉमन है। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि हमें तो ब्लीडिंग 4-5 दिन नहीं हुई या फिर 1 हफ्ते नहीं हुई, तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं हुई, हमारी डीएनसी सही से हुई है या फिर नहीं हुई है। तो बिल्कुल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डीएनसी के बाद 1 दिन ब्लीडिंग होना बहुत ही कॉमन है। ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग तब हो सकती है जब आपने ज़्यादा महीने की प्रेगनेंसी में डीएनसी करवाई हो, 3 महीने की प्रेगनेंसी में इस तरीके से, तो तब आपको ब्लीडिंग 1 हफ्ता 4-5 दिन चल सकती है। लेकिन 1 दिन ब्लीडिंग होना भी बहुत कॉमन है अगर आपकी डीएनसी कम दिन की प्रेगनेंसी के बाद करवाई गई हो तो। तो उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाने वाले हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।